3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, पहले तो पता लगाएंगे कि संगत है या असंगत, कल भी पता लगाया था हमने। अब देखें यहां पर तुलना करेंगे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो व ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो से तुलना करने पर। तुलना करने पर अब तुलना करें तो ए वन कितना होगा यहां पे एक, बी वन कितना होगा एक और सी वन कितना है माइनस के पांच। क्यों है यहां देखो एक्स प्लस वाई माइनस पांच बराबर क्या आया जीरो, ऐसे ही सेम टू सेम टू एक्स प्लस टू वाई माइनस दस बराबर क्या आ गया जीरो। ए टू कितना है हमारे पास दो, बी टू कितना है दो और सी टू कितना है माइनस के दस। तो ए वन अपॉन ए टू यानी कि एक बटे दो, फिर बी वन अपॉन बी टू क्या आएगा एक बटे दो, सी वन अपॉन सी टू क्या आएगा माइनस के पांच बटे माइनस के दस। माइनस से पांच एकम पांच दूनी दस, तीनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू सी टू। तो ऐसी रेखाएं जो है वो कौन सी प्राप्त होगी समपाती रेखाएं। ठीक है तो देखें अनंत तल हल होंगे वो रेखाएं समपाती होगी। ठीक है निकाय हल संगत हैं निकाय हल क्या है संगत है। जब निकाय हल संगत है तो समीकरण एक और समीकरण दो से हम इसको निकालेंगे। तो समीकरण एक से समीकरण एक क्या है एक्स प्लस वाई माइनस पांच बराबर जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस पांच बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो लेने पर एक्स बराबर क्या ले लिया आपने जीरो, जीरो प्लस वाई माइनस पांच बराबर जीरो तो वाई बराबर क्या आ गया पांच। वाई बराबर जीरो लेने पर तो x प्लस जीरो माइनस पांच बराबर जीरो, एक्स बराबर क्या आएगा पांच। ठीक है अब आप देखो यहां पर पहली समीकरण सबने क्या बनाया x y, x बराबर जीरो लिया y का मान पांच, y बराबर जीरो लिया x का मान पांच। देखो ये ना x का मान जीरो लिया y का मान पांच, y बराबर जीरो लिया x का मान पांच। समीकरण दो से समीकरण दो क्या है दो एक्स प्लस दो वाई बराबर दस, दो एक्स प्लस दो वाई बराबर दस। तो यहां से भी x बराबर जीरो लेने पर तो दो गुणा दो प्लस दो वाई बराबर दस, तो ये जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जीरो, तो ये कितना आ गया दो वाई, क्या आ गया दो वाई बराबर क्या आया दस, कितना आया बराबर में दस। तो वाई बराबर कितना आ गया दस बटे दो, क्या आ गया पांच। फिर वाई बराबर जीरो लेने पर वाई बराबर जीरो लिया तो दो एक्स प्लस दो वाई का मान क्या आ गया जीरो बराबर में कितना आया दस, तो दो एक्स बराबर में दस, x बराबर में 10 बटे 2 तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास 5, क्या आ गया हमारे पास 5। अब देखें यहां पर भी हमने बनाया और आपने देखा सेम मान प्राप्त हो रहे हैं x का मान 0 y का मान 5, y का मान 0 x का मान 5।
समान एक जैसी रेखाएं प्राप्त होगी, क्योंकि ये कौन सी रेखा है, समपाती रेखाएं, मतलब एक ही रेखा प्राप्त होगी दोनों की। अनंत हल इसलिए होंगे क्योंकि बार बार देखो इसमें भी आप 10 मान रख लो, 10 के 10 ही वही मान आएंगे जो समीकरण एक क्या है, ठीक है। इसलिए देखो यहां पे ये मूल बिंदु x डैश, x, y डैश और y, ठीक है। ये एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, माइनस एक और माइनस एक। एक्स का मान जीरो और वाई का मान पांच। एक्स का मान जीरो आ गया, वाई का मान कहां गया, पांच। एक्स का मान जीरो और वाई का मान पांच, वाई एक्स का मान पांच और वाई का मान जीरो, एक्स का मान पांच और वाई का मान जीरो। दूसरी समीकरण के लिए भी सेम यही मान आने वाला है, तो हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इसको इससे हमने ज्वाइन कर दिया। अब पहली समीकरण जो थी वो क्या थी हमारी, x प्लस वाई बराबर में पांच, और दूसरी समीकरण क्या थी, 2x प्लस 2y बराबर में 10। तो दोनों से एक ही मान मिले हमें, ठीक है। पैमाना क्या होगा, पैमाना x अक्ष बराबर एक सेंटीमीटर बराबर एक इकाई, एक इकाई ये पे ना, और y अक्ष एक सेंटीमीटर बराबर क्या आएगा, एक इकाई, ठीक है। कोई दिक्कत तो उतारे इसे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, x माइनस वाई बराबर आठ, तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x माइनस वाई माइनस आठ बराबर में जीरो, और तीन एक्स माइनस तीन वाई माइनस सोलह बराबर में जीरो। ए वन एक्स, बी वन वाई, सी वन बराबर जीरो, वो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो से तुलना करेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जैसे किया था। ए वन का मान कितना है, एक, ए टू का, बी वन का मान माइनस एक, इसका मान माइनस के एट, थ्री माइनस के थ्री माइनस के सिक्सटीन, ये क्या आया, वन अपॉन थ्री, ये कितना आया, वन अपॉन थ्री, और ये कितना आ गया, माइनस एट अपॉन माइनस के सिक्सटीन, ठीक है। तो यहां देखें ये क्या आएगा, ए वन अपॉन ए टू बराबर तो क्या हो गया, एक बटे तीन, बी वन अपॉन बी टू क्या हो गया, एक बटे तीन, दो से दो एकम दो, दो मतलब आठ दूनी सोलह, तो सी वन अपॉन सी टू क्या आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, आठ एकम आठ आठ दूनी सोलह, तो ए वन अपॉन ए टू जो आया बराबर आया बी वन अपॉन बी टू, लेकिन क्या बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो सी वन अपॉन सी टू। तो कौन सी रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी, ठीक है। और कोई हल होगा ही नहीं तो कौन सी होगी, असंगत, असंगत निकाय है, और असंगत है तो इसका ग्राफ बनाएंगे नहीं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसको, देखो थर्ड क्या है, 2x प्लस वाई माइनस सिक्स बराबर जीरो, और दूसरा है 4x माइनस टू वाई माइनस फोर बराबर में जीरो। ए वन कितना है हमारे पास, तुलना कर रहे हैं ना इससे, तो ए वन कितना है दो, बी वन कितना है एक, और सी वन कितना है माइनस के छह, ए टू कितना है फोर,
बी टू कितना है माइनस के टू और सी टू कितना है माइनस के चार। तो ए वन अपॉन ए टू दो बटे चार बराबर एक बटे दो। बी वन अपॉन बी टू क्या आएगा एक बटे माइनस के दो, ये बराबर आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या, यहां तो माइनस के एक बटे द्वारा ही एक बटे द्वारा बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे। तो ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू। तो ऐसी कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी, कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी एक अद्वितीय लोगा हल होगा और संगत निकाय है। संगत निकाय तो हम ग्राफीय विधि से बनाएंगे इसको, तो समीकरण एक से ये कौन सी हो गई, समीकरण एक और ये समीकरण दो, कोई दिक्कत आई क्या। तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा, देखो आलेखीय विधि, यहां कौन सी विधि चलाएंगे, विधि आलेखीय विधि क्या है, समीकरण एक से एक से समीकरण एक से दो एक्स प्लस वाई माइनस छ बराबर में जीरो। एक्स बराबर जीरो लेने पर एक्स बराबर आप क्या लेंगे जीरो, तो क्या आएगा दो गुणा एक्स का मान जीरो प्लस वाई माइनस छ बराबर जीरो। y बराबर क्या आ गया छ, y बराबर जीरो लेने पर y बराबर क्या ले लें जीरो, y का मान जीरो रखेंगे दो एक्स प्लस जीरो माइनस छ बराबर जीरो। दो एक्स बराबर क्या आया छ, तो x बराबर क्या आ गया छ बटे दो, कितना आ गया तीन। ठीक है, अब देखें आप सारणी बनाएंगे इसको एक्स और वाई, एक्स बराबर आपने जीरो लिया वाई का मान छ, वाई बराबर जीरो लिया एक्स का मान तीन। समीकरण दो से, समीकरण दो क्या है चार एक्स माइनस दो वाई माइनस चार बराबर में जीरो। एक्स बराबर जीरो लेने पर एक्स बराबर जीरो ले चार गुणा जीरो माइनस दो वाई माइनस चार बराबर जीरो, माइनस के दो वाई बराबर क्या आ गया चार, वाई बराबर चार बटे माइनस के दो क्या आ गया माइनस के दो। वाई बराबर जीरो लेने पर तो चार एक्स माइनस दो गुणा जीरो माइनस चार बराबर जीरो, तो चार एक्स बराबर चार, एक्स बराबर चार बटे चार बराबर क्या आया एक, कोई दिक्कत है क्या, क्या टेबल बनेगी इसकी। एक्स वाई, एक्स बराबर जीरो लिया वाई का मान क्या मिला माइनस के दो, और वाई बराबर जीरो लिया एक्स का मान क्या मिला एक। ठीक है, कोई दिक्कत आई क्या यहां तक। अब इसका बनाएंगे हम ग्राफ, तो ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ ये निरूपण, ठीक है ठीक है, ग्राफ ये निरूपण। तो ये क्या हो गया मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष और वाई डैश अक्ष। यहां देखें सबसे पहले मान देखें आप जीरो तीन एक दो माइनस, तो एक एक का अंतराल ले लें एक दो तीन चार पांच और ये छ, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार, एक दो तीन चार पांच और ये छ।
माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस तीन, माइनस चार, ठीक है। एक्स का मान जीरो, वाई का मान कितना आया छ, एक्स का मान जीरो, वाई का मान छ, एक्स का मान तीन और वाई का मान जीरो, एक्स का मान तीन और वाई का मान जीरो, इनको हम आपस में मिला देंगे। कौन सी समीकरण से बना ये समीकरण एक से, समीकरण एक क्या थी ये देखो, दो एक्स प्लस वाई माइनस छ बराबर में जीरो, ऐसा। दूसरा एक्स बराबर जीरो, वाई का मान माइनस दो, एक्स बराबर जीरो, वाई का मान माइनस दो, एक्स का मान एक, वाई का मान जीरो, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने पर ये किसी ना किसी बिंदु पर काटेंगे, है ना। तो क्या आएगा, कौन सा बिंदु होगा ये कटान बिंदु, कौन सा होगा। तो देखो ये कटान बिंदु क्या मिला हमें, दो और दो, ये जो कटान बिंदु है क्या होगा, दो और दो, ठीक है। अब लिखेंगे हम पैमाना, तो पैमाना एक्स अक्ष बराबर एक सेंटीमीटर बराबर एक इकाई, और वाई अक्ष बराबर एक सेंटीमीटर बराबर एक इकाई, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड भी कंप्लीट हो गया।